अपने सेकंड टॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट टॉप के बाद एटलीस्ट मेरी तरफ से जो मुझे जो एनर्जी मिली है वो कुछ इस तरह से मिली है कि एटलीस्ट मेरे जहन में कोई भी अगर आइडिया होगा और एनी प्रोडक्ट दैट आई वांट टू मेक तो मैं उसको जनरेटिव एआई के थ्रू कंप्लीट कर सकता हूँ और उसको एक बेहतर आइडिया क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ क्या होगा कि जब हमारा आइडिया क्रिएट हो जाएगा और हम उस प्रोडक्ट को आगे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जा रहे होंगे तो इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी हमारे पास स्मार्ट मशीन मौजूद हैं, तो किस तरह से हमारे पास जनरेटिव एआई स्मार्ट मशीन के साथ इंटीग्रेट कर रहा है और हमारी कॉस्ट जो कि पहले एक ट्रेडिशनल एक कॉस्ट बनती थी वो किस तरह से हमारी कॉस्ट अब कम हो रही है और हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो अब एक काफ़ी चीप प्राइस के अंदर हमारे पास तैयार हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर अपने सेकेंड स्पीकर को इन्वाइट करूँ, दैट इज मिस्टर तौसीफ हैदर। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, he is a global product designer at H&M Pakistan. He is on the mission to redefine fashion through sustainability and innovation. He is a very diversified experience in sales and marketing, fashion, product manufacturing and merchandising. So without any delay, I would like to call Mr. Tawseef Haider. और एनी काइंड ऑफ फील्ड हमारे पास तरह तरह के आइडियाज आते हैं बट हम कहीं जाके स्टक हो जाते हैं कि उस आइडियाज को आगे क्या करें। नाउ वी जस्ट हैव द आइडिया, वी डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, बट आई गेस दिस कराची एआई इज अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज आई हैव फ्यू आइडियाज एज वेल व्हाइल आई वाज वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स इन टेक्सटाइल एंड नाउ वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू कराची एआई एंड वी कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड मी सम आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी to other speakers and to all the audience. Without further ado, I am Tawseef Haider. Currently, I am working in H&M Pakistan. I have a 10 plus experience in manufacturing side, especially in Karachi. Mostly, I have been in marketing and sales, as you have heard. But I have seen the production processes, and I know how AI can enable those production processes for a betterment of the industry, particularly in any company and in overall the economy. तो जब मीसम में अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी तो उन्होंने टेक्सटाइल के बारे में और इन जनरल इंडस्ट्री के बारे में बताया था किस तरह से इंडस्ट्री 1.0, 2, 3, 4 एंड 5 एक पूरे रेवोल्यूशन के साथ चल रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि इट्स जस्ट नॉट अ स्टैग्नेंट ट्रैजेक्टरी। इंडस्ट्री 2.0 एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक इंडस्ट्री 1.0 पे कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इकोनॉमी स्टैंड अप ऑन नहीं कर सकती। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्री 5.0 की बात करें जो कि एआई है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द ऑल द इंप्लीमेंटेशंस ऑफ इंडस्ट्री 4.0 राइट। फॉर इंडस्ट्री 5.0 व्हिच इज एआई इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन व्हिच इज माय टॉपिक, आई हैव क्रिएटेड 4 पिलर्स व्हिच आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ होल प्रोसेस। जिस तरह से व्हाइल ही वाज इंट्रोड्यूसिंग मी उन्होंने मुझे बताया कि एक आइडिया होता है, उस आइडिया को मार्केट तक लेकर आना उसके पीछे पूरी एक साइंस है, पूरी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पिलर प्लानिंग, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज यू नो इट्स मैन्युफैक्चरिंग में आपने सोर्सिंग करनी है, आपने फैब्रिक सोर्सिंग करनी है, आपने गारमेंट प्लानिंग करनी है बिकॉज इन गारमेंट वी हैव डिफरेंट लाइंस, इन फैब्रिक वी हैव डिफरेंट मशीन्स एलोकेशन वगैरह। तो प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इस पर आगे चल के बात करेंगे। देन सप्लाई चेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर यू गाइज आप लोग ज़्यादातर फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं बट यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट सप्लाई चेन इज टू एक्चुअली 2+2 उसका 4 कर सके, फैब्रिक ट्रिम्स थ्रेड्स सब कुछ एक साथ कंबाइन करके एक प्रॉपर अच्छी प्रोडक्ट बना सके। From supply chain, then we go for a right quality, the right time, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम बार बार हमारी resources वेस्ट ना हो, and then the overall tracking of the complete procedure from planning to the end product. So planning,
एंड देन यू कैन सी एक टैगलाइन है शार्पनिंग द सॉ. आप लोगों ने सुना होगा एक मशहूर कहावत है कि मुझे 40 घंटे दिए जाएं एक दरख्त काटने के लिए तो मैं 30 घंटे स्पेंड करना चाहूंगा अपनी सॉ को शार्पन करने के लिए. सो दैट्स व्हाट प्लानिंग इज. आपने अपनी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग करनी है कि आपकी पूरी सप्लाई चेन में, आपकी पूरी प्रोडक्शन में कहीं कोई रुकावट ना आए. बिकॉज इन प्रोडक्शन लाइन्स इन टेक्सटाइल, आई एम श्योर आप लोग यहाँ से निकलेंगे, ग्रेजुएट करेंगे तो आप किसी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में प्लेस होंगे या किसी ब्रांड में प्लेस होंगे. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज मनी देयर. आपकी मशीन आइडल नहीं होनी चाहिए बिकॉज दैट्स गोइंग टू कॉस्ट द कंपनी अलॉट. एंड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कहीं भी किसी भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर कोई झोलना है, कहीं कोई मशीन ना हो फारिग हो, कहीं कोई बंदा अंडर यूटिलाइज ना हो रहा हो. सो ट्रेडिशनली प्लानिंग हमने देखी कि बहुत ही मैनुअल कैलकुलेशंस पे चल रही होती है, ह्यूमन एक्सपर्टीज पे चल रही होती है. सो उसकी वजह से बहुत सारी पोटेंशियल इनएक्यूरेसीज और डिफिकल्टीज फेस होती है. सो एआई इज देयर टू सॉल्व दैट. देयर आर फ्यू सब टॉपिक्स इन प्लानिंग इज डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग में एक बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहता हूँ बिकॉज सिंस आई एम HNMI पाकिस्तान से हम जितने भी हमारी प्रोडक्शन होती हैं दे ट्रेवल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड देयर इज अ रिसेंट इंसिडेंट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अबाउट द स्विस कैनाल एंड हाउ इट्स द शिपिंग रूट्स आर टेकिंग लॉन्गर टू रीच द एंड मार्केट्स राइट. सो डिमांड फोरकास्टिंग इन AI कैन हेल्प द प्रोडक्शन फैक्ट्रीज बिकॉज व्हेन अ ब्रांड ये पूरा एक प्रोसेस है. जब वो प्रॉब्लम नजर में आई, लीड टाइम बढ़ गया, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया गया, फिर पीछे प्रोडक्शन वालों को बताया गया मिल्स को कि भाई अब ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको सॉल्व करते हैं. AI कैन प्रिडिक्ट दिस. AI कैन प्रिडिक्ट ओके दिस हैज हैपेंड, दिस इज गोइंग टू हैव अ रिपल इफेक्ट, नाउ अपनी प्लानिंग को ठीक करें, इट्स गोइंग टू कम वेरी सून. देन वी हैव कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स इन द प्रोडक्शन फैसिलिटीज. You have to optimize the capacities of those machines. It cannot happen in a production floor. आप लोग जो graduate होके जाएंगे, you will see, it can never happen on production floor that there is a line and it's empty, or there is a line which is overbooked, or there is a line जो एक capacity है उसकी, let's say jackets बनाने की और उधर jeans trousers बन रहे हैं. और the other line है जो trousers बनाने में efficient है, they can उनका output तेज है, but you have given them the jackets. So this is what planning and capacity optimization is. And then obviously the production scheduling, kis time kya chalega, kab chalega, kaise chalega. Right now it's all the human calculations, the long boring Excel sheets right now. But with the AI, it can all be systematic. Then we have scenario planning. You are fashion graduates, you know much better than me. एक सिंपल बेसिक फाइव पॉकेट जीन्स या बेसिक फाइव पॉकेट ट्राउजर में और एक कार्गो ट्राउजर में SMV स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू में कितना फर्क होता है और हर प्रोडक्शन लाइन वो नहीं बना सकती. सो यू हैव टू डू अ सिनेरियो प्लानिंग कि कहाँ पे क्या चीज बन सकती है, कौन सी लाइन क्विकली एम्प्टी होगी, किस लाइन को दोबारा से आपने फिल आउट करना है. देयर इज अ केस स्टडी ऑफ अ श्रीलंकन, इट्स अ वेरी गुड कंपनी इन श्रीलंका, हिरदमानी पैरा लिमिटेड. दे हैव इंप्लीमेंटेड यू कैन से इंडस्ट्री 4.0 सॉफ्टवेयर बट दे हैव पुट अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ इट विद द इंडस्ट्री 5.0 कॉन्सेप्ट्स ऑफ AI. We used to do a lot of our production planning and scheduling on Excel. Spreadsheets were digital per se. But as our business continued to scale and order quantities began to drop, it became more challenging. We were used to 100,000 pieces per style. You suddenly start seeing these MOQs or minimum order quantities of 6,000 pieces, 8,000 pieces per style, not even per color. And that meant your style count goes up, the number of lines you have to plan goes up. We had to shrink our production lines to be more efficient, which meant we had more production lines to plan. FastRack Plan is an interesting tool because it's not just a production scheduling tool. It also has the ability to run a critical path. And in the past, we used to spend 80% of our time trying to manage issues on the shop floor, when in fact, 80% should have been spent on the pre-production side, enabling on-time tracking and ensuring all the activities on our critical path were ticked off and ready so that the style was ready for production.
I'm sure this has cleared the concepts of planning, how integral part of planning is. इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की कि earlier 80% हमारा जो time था वो production floor पे गुजरता था, which is not right. आप you cannot just हर वक्त आप fire fighting नहीं कर सकते कि problem आ गई, you go there and just sort it out. Instead, 80% of your time should be on a planning side. You should be sharpening your saw. The next is supply chain. See, the tagline is like forging the chain between the planning and when you have to deliver the order. So it's a complete supply chain. Currently, we have inaccurate forecasting. Because of that, we have overproduction of stocks, and that's going to make the logistical nightmares. Then we have limited visibility of the material location, because when you have big setups, you have different production floors, different units, and every unit have a sub store, then you have a main store. So your trims get lost. And then you, and sometimes it's a real story. And my fellow speakers who are from the industry as well, they will watch for me. There used to be an order, like we have to deliver it on a Friday. And on Wednesday, we are firefighting, okay, where are the labels? We have to attach it today. We cannot deliver it on Friday if we don't have the labels. So through AI, through machine learning softwares, we can track even the tiniest of rivet that we have on the pocket edges. And then we have to manage the complex networks of suppliers of trims, your zippers, your threads, and some suppliers are in the same city, some are other cities, and few items are coming from China or Bangladesh as well. So it's a complex network of suppliers, manufacturers and distributors that can be managed through AI. So the subtopics are in supply chain, guesswork to precision. जाके देख लो उस वाले स्टोर में मैंने प्रोग्राम इशू कर दिया था, साइन कर दिया था, लेबल्स वहां से मिल जाएंगे. It's just a guesswork. It cannot happen, or it's not going to make an efficient shop floor. So AI can make it guesswork to precision. Then we have intelligent inventory management, just as I explained in this example. And then we have strengthening collaborations, which is very important in a supply chain, because a supply chain, you have people who are ordering the stuff. Like the merchandisers, you must have heard the name of the merchandisers. They are ordering the stuff. They are asking their supply chain teams to order on their behalf to the suppliers. And then once the item comes to the factory, it comes to the store. Then the store releases the item to the production floor. So you see, so many departments are involved. So many teams need to collaborate together so that the item is located and placed to the right product and in time. And then we have, if anything goes wrong, you should have automated alerts and notifications. So you all know about Zara. The fashion students must know how crazy Zara is with their crazy supply chain, how quick they are. They are, by the way, the biggest fashion brand in the world, and they are biggest fashion brand in the world just because of their supply chain. Their idea to the shop floor, it's very quick. And just because of that, it's smart inventory management, smart supply chain, and now they are also adopting AI with the name of Just Intelligent Revolution. I couldn't find the video, but there is the link. If anyone needs it, they can have a complete case study how they've implemented it and improved their whole supply chain. Then we have a quality. I believe यहाँ पे जो भी बैठा है वो whenever they go to a store, they are not going to buy a defaulted item of garment, right? So quality is paramount in textile manufacturing and production, and it's equally difficult to manage it, because as I told you, there are a lot of departments involved that I told you about the supply chain. But when you talk about the production, there's also so many departments involved. Like you have to source a right yarn, then you have to source the right fabric, then you have to source the right dyes, then garment manufacturing, then washing, then printing. So many departments involved. At the end of the day, the quality should be right and you have to ensure it. And AI is there to make our lives easier. Current challenges are the limited scope of quality, manual inspections,
and we sometimes on the shop floor, the production floor, certain defects are always missed. It's time consuming, it's always prone to error due to the human fatigue and inattention, and obviously the bulk runs. So here we are with the AI powered inspection. Dr. Saab ne bataya ye bhi is pe kaam kar rahe hain mashallah se. So AI powered inspection, then we have defect analysis through the cameras, and predictive maintenance is also very important, because you know on the fabric side and even on the garment side, you have a lot of machineries involved, and there's a lot of maintenance that needs to be sorted out. So predictive maintenance can stop the planning at the start. Okay, if you're planning in this line, please don't, because when in the weeks that you're planning your production, in that weeks the maintenance are going to be scheduled. So there is this checkpoints there. Then we have a real-time process monitoring to improve it further for the quality. Let's see a case study from a German fabric manufacturer. Must have noticed the cameras that were making sure that there is no defect on the fabric. And from H&M, I believe in the last season I've bought around 10 million yards of denim fabric, and that was all checked by human eye. And there could be errors, that there were errors, and it was sorted out by the garment teams. And then I was the one who was, you know, firefighting. Okay, acha fabric wapis bhijwa do, acha dekh lo, ye kar lo, wo kar lo. But it cannot be sorted out with the cameras. And Dr. Saab is here. And inshallah, इनके softwares आएंगे जो हमारे पाकिस्तान denim industry और भी जितने fabrics हैं उन सब की जो automated visual के through defect quality maintain कर सकते हैं. And then tracking, you have to track where you are right now in the production process, from the planning to the end delivery. So current challenges involves limited visibility. It's very very time consuming. Up Excel की sheet निकाल लेते हैं कि अच्छा किस line में order चल रहा था, call करें भाई मेरा order time पे निकला या नहीं निकला. I'm sorry, I'm in a institute, but I'm using a very layman terms, because this is how we talk on a production floors in textile manufacturing. So we call them up and like, मेरा order पे कट गया था, मेरा order इतना 1 lakh piece का order था, 10,000 मैंने काटना था, कट गया, washing में चला गया. It's all very time consuming, believe me. It's all on Excel, it's all on calls. But with the real-time AI solutions, with the tracking, this limited visibility can be tackled. The time-consuming can be shortened. Second, I can see, I can just write it on the, just like a ChatGPT model. Where is my order right now? They can tell me where exactly, how many phases, and which location, and which process they are currently going on. So it's a data-driven decision-making, because decision-making is also very important. We have seen instances where we are sitting in a meeting, we are asking for a delivery of our orders, or we are placing some new orders, and then they are taking time. Okay, let me check first, and they are coming back after 2 days, 3 days. But that should not happen. A data should be on your fingerprints, and AI is solving that problems. So that's a case study from one of our local mills in Lahore, Crescent Bahuman. So with the real-time solutions of planning, quality management, and the complete production processes, they are ensuring on-time delivery with the quality products. Y-Metrics smart factory system works as Hawkeye for the entire production floor while creating a digital twin of its operations. After the Y-Metrics implementation, we have a lot of real-time data with us, and on this real-time data, we are taking lots of skill. Like we have real-time efficiencies, real-time production, real-time reaction.
So that's all from my side, and after these four pillars, I'm sure that you guys are clear once you move on to the industry where AI can make the impact. And with the future of AI in textile manufacturing and production, I believe that's immense potential. It's an immense potential, believe me, because you know, in the production side, एक सेंट भी प्रोडक्ट से हटके किसी और तरफ जाता है तो हमारे जो ओनर्स हैं दे लाइक नो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बट वी हैव एज अ यंग जनरेशन एज द टॉर्च बैरियर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड दैट्स गोइंग टू मेक द प्रोडक्शन फास्टर एफिशिएंट एंड क्वालिटेटिव थैंक यू सो मच